स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसकेडी इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट क्लास 12 चैप्टर सेकेंड, विच नेम्स इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में फ्लावर में लैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन में क्या आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता होती है फ्यूजन के लिए, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए। तो फ्लावर में संरचना पहले जान लेते हैं, इसके बाद हम जानेंगे कि लैंगिक जनन होता कैसे फ्लावर में। अलग अलग इसके पार्ट्स हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं। हम स्टार्ट करते हैं वायदल से। वायदल फ्लावर का ग्रीन पार्ट्स होता है। फ्लावर जब पूरी रूप से खिलने वाला होता है, उसके पहले कली की अवस्था में होता है। जब कली की अवस्था में होता है तो ग्रीन कलर के पार्ट से वो क्या होता है, कवर होता है। उसे क्या कहते हैं हम, वायदल, यानी वायदल पुंज। जब सिंगल होता है तो वायदल कहते हैं, अब एक से अधिक होगा तो वायदल पुंज यानी कैलिक कहेंगे। ठीक, इसका कार्य होता है फ्लावर खिलने से पहले इनके फ्लावर की प्रोटेक्शन करता है, यानी बाहरी आघातों से उनकी सुरक्षा करता है। दूसरा है दल। दल फ्लावर का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है, जिसे जो सबको आकर्षित करता है, सबसे खूबसूरत पार्ट होता है। कलर्ड होता है, लाइट कलर होता है। हर फ्लावर में अलग अलग तरह से कलर होते हैं, जिसे हम पंखुड़ियाँ कहते हैं। अगर एक पंखुड़ी है तो उसे हम दल कहेंगे, पेटल। एक से ज्यादा है तो हम उसे क्या कहेंगे, कोरोला यानी दलपुंज। इसका मेन वर्क होता है ये कीटों तितलियों आदि को आकर्षित करता है परागकण के लिए। ठीक है, और ये क्या करता है, फ्लावर की आंतरिक प्रजनन संरचनाओं की रक्षा करता है। फ्लावर की आंतरिक प्रजनन संरचनाओं की क्या करता है, रक्षा करता है, कौन, पेटल। अब फ्लावर में दो मुख्य भाग कौन कौन से, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को हम पुमा कहते हैं, एंड्रोसियम, जिसके अंतर्गत आता है परागकोष, परागकण और पुतंत्र, फिलामेंट पॉलिनेशन एंड एंथर। परागकोष के अंदर उपस्थित होता है छोटा छोटा परागकण, परागकोष के अंदर ही परागकण का निर्माण होता है। ठीक, फीमेल पार्ट को हम देखते हैं, इसके अंतर्गत आता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजाणु, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है छोटे छोटे खाने की संरचना होती है, राउंड शेप, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु। और बीजाणु के अंदर उपस्थित होता है फीमेल गैमेट, जिसे हम मादा युग्मक कहते हैं। ठीक, ये था पुष्प संरचना के मेन पार्ट्स। अब इसमें जानेंगे कि लैंगिक जनन होता कैसा है। ठीक, पुष्प कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में होता कैसे है एक्चुअली में। ठीक, यही समझते हैं हम। जब एक पुष्प पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, एक फ्लावर पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, तो फेवरेबल कंडीशन में आने के बाद उसका परागकोष क्या होता है, रैप्चर कर जाता है। परागकोष क्या होता है, इसका रैप्चर कर जाता है, और जो उसमें से परागकण का निर्माण हुआ होता है वो बाहर आ जाते हैं। परागकण क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, और ये परागकण आकर के वर्तिकाग्र पर, ये पराकर वर्तिकाग्र पराकर के चिपक जाता है। जब परागकोष के फटने के बाद परागकण निकलता है, तो वो किसी न किसी माध्यम से, हवा, पानी या फिर किसी कीट के माध्यम से, वो क्या होता है, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र से आकर के चिपक जाता है, और यहाँ पे चिपक के विकसित होता है। विकसित होकर कुछ टाइम बाद परागनली का निर्माण करता है, और यह परागनली
सीधा जाके अटैच होती है बीजांड से, जो बीजांड से उपस्थित होती है जो फीमेल पार्ट होता है। ठीक, अब इस परागनली के माध्यम से मेल गैमेट क्या होता है, प्रवेश करता है बीजांड के अंदर, ओव्यूल के अंदर प्रवेश करता है। ठीक, परागनली के माध्यम से पराग नली के माध्यम से मेल गैमेट प्रवेश करता है ओव्यूल के अंदर, और यहां पे उपस्थित होता है फीमेल गैमेट। दोनों आपस में क्या करते हैं, सनलाइट होते हैं, और सनलाइट होने के बाद यह बीज के रूप में, सनलाइट होने के बाद जायगोट का निर्माण करता है, और वह जायगोट क्या होता है, बीज के रूप में सुरक्षित हो जाता है। यहाँ पे दोनों का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक, दोनों का फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद युग्मक का निर्माण होता है जायगोट का, और ये जायगोट क्या होता है, बीज के रूप में सुरक्षित हो जाता है। आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे पुमंग यानी एंड्रोसियम को डिटेल में।